इतने सारे मेरे पास माँ करें और भाई ये सारे के सारे खराब है तो गाइस हम इन्हें फेंक देते हैं। ऐसे बहुत काम की चीजें ना जाने कितने प्रोजेक्ट कितने एक्सपेरिमेंट गाइस इनसे किए जा सकते हैं। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा टूल बनाने वाला हूँ इन खराब हैकरों से जो गाइस आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा हो सकता है। प्लीज दोस्तों वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलेगा चलते अपने टॉपिक पर समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस मेरे पास इतने सारे मार्कर जो गाइस बिल्कुल खराब है चल नहीं रहे हैं है इनकी आवाज जो ना बड़ी बुरी लगे भाई साहब इस तरीके से। तो भाई कोई भी ले लेंगे मैं सोच रहा हूँ चलिए इसे ले लेते हमारे हाथ में आया सबसे पहले लेकिन यहाँ पे घपला हो रहा है बहुत बड़ा इसका मार्कर का कैप चेंज है हमारे होते पे घपला ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गाइस कोई भी ले लेंगे गाइस ये सफेद है तो भैया इसका हमें मालपाई निकालना है तो इसे खोलना भाई रॉकेट साइंस नहीं है यार नहीं खोल लगे इसलिए सुबह से इन्हें पोर्ट निकली थी तो दिक्कत हो रही थी कब्ज हो रही थी तो गाइस हमने करवा दी ठीक है इसके में जो ना है एक्स्ट्रा में वो बिगड़ गया। तुम्हें कब्ज है क्या? नहीं भाई मुझे कब्ज नहीं है इसको कब्ज था हमने इसे दवाई दी और भाई आराम से इसका पेट साफ हो गया। तो भाई अब इसे निकाल लेते हैं देखिए इसकी भी जरूरत नहीं है तो भाई हमें चाहिए सिर्फ इसकी बॉडी ये वाला हिस्सा जो कि बंद कर देंगे और ये वाला क्या है। तो गाइस अब हमें यहाँ पे चाहिए मसाला जो गाइस इसमें जान डालेगा। अरे भाई साहब दिखाई देता हूँ। तो गाइस ये रहे कुछ PLDC और या ड्रोन के मोटर आप कह सकते हो ना छोटी छोटी चीज बनाने। तो गाइस छोटे मोटे चीज का हम यूज करेंगे जो कि गाइस मेरे पास काफी सारे पड़े हैं और भी पड़े हैं निकल जा देखिए यार। गाइस बेफिक्र रहिए इतने सारे मोटर की जरूरत नहीं है एक मोटर में चाहिए आप इनमें से कोई भी एक मोटर ले सकते हो। लेके दिखाओ गाइस कैसे लोगे ये भी एक टैलेंट है नहीं ले पाओगे लेके दिखाओ। चलो गाइस आपके तरफ से मैं ही ले लेता हूं। तो गाइस सारे के सारे एक सही है और इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको अगर मैं ना भूला तो ब्लॉक नंबर 1। तो गाइस अब इस मोटर को हमें इस मार्कर के अंदर फिट करना है जो गाइस काफी इजी है बस हमें इसे काटना पड़ेगा और भाई ऐसा होना चाहिए कैप भी लगाया जा सके मोटर फिट करने के बाद। तो भाई हम कितना काट सकते हैं बहुत इजी है देखिए यहाँ पर कैप अटकता है एक कट ठीक है यहाँ पर कैप अटक जाएगा खुल जा ठीक है। तो भैया हम इसे यहीं से काटेंगे। तो गाइस काटने से पहले कुछ ना कुछ भारी चीज लेंगे और भाई सर्दी इतनी पड़ रही है कि भाई अकेले आपको जुकाम नहीं हो रहा इसको भी हो रहा है। चल बेटा रुमाल से तो साफ ही हो नहीं सकती चाकू आगो तो साफ हो गई इसकी जम गई है जाती है हम भटक गए आज मैं यार एंगल ग्राइंडर का यूज ना कर रहा। चलो छोड़ो भाई देखिए बस सीधा कर लेंगे इसे घिसकर। तो भाई लोग काफी सीधा हो गया है मेरी तरह चल झूठ आप देख भी सकते हो बल्कि मुझसे ज्यादा थोड़ा सीधा हो गया। तो भैया ये मोटर इसके अंदर देखिए भाई साहब बिल्कुल टाइट और हमें क्या चाहिए बिल्कुल मस्त है ना। तो भाई ये तो अच्छे से इसमें आ भी रहा है अब इस मोटर पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो गाइस ये एक तरीका घर में पाने का बिना हीटर के। तो गाइस हमें दो तरह के बॉक्स लेकर आया इन डिब्बे में देख लेते हैं भाई क्या का माल पानी है। तो भाई इसमें है ड्रिल बिट तो भाई अलग अलग टाइप के ड्रिल बिट है गाइस लेकिन मानी मैं आपके काफी सारे बल्कि इतने सारे पैसे बचाने चाहता हूँ तो भाई थोड़ा सस्ता जुगाड़ करेंगे जिससे गाइस 100% वर्क भी हो जाए और पैसे बच जाए समझो जानी। तो भाई इसमें एक बारीक सा डाला था मैंने ड्रिल बिट एक तो भाई ये रहा लेकिन भाई ये मुझे अभी भी मोटा लग रहा है इससे बारीक चाहिए। मिल गया। देखिए भाई साहब ये भाई साहब 1 mm मोटा है यही चाहिए गाइस इसकी लेंथ का आप मेरी उंगली से अंदाजा लगा सकते हो। देखिए मेरी सबसे छोटी उंगली है वैसे इससे भी छोटी है पैर में तो यहाँ पे देख सकते हो छोटा है लेकिन मोटर भाई इससे ज्यादा छोटा है यानी कि मोटर की जो लेंथ है वो 1 inch भी नहीं है देख सकते हो इससे अंदाजा लगा सकते हो मोटर से ये बिट अप्रोक्स 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन भाई साहब ये जो आप देख सकते हो पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा बहुत बारीक है तो भाई ये काफी कॉस्टली आता है काफी महंगा आता है भाई तो हम इसे भी नहीं लेंगे। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिखाया कि आप इसे कनेक्ट कर सकते हो लेकिन भाई ये है किसी के पास नहीं था वो बात अलग है कि भाई ये टूट जाए टूट आप यूज कर सकते हो गाइस वो फिर बेकार हो गया ठीक है। तो ये हमारा फिलहाल टूटा नहीं है और हम इतने मतलब पागल थे हैं लेकिन हम इतने भी पागल नहीं है कि भाई हम इसे तोड़े तो हम कुछ सस्ता जोड़ देखेंगे और भी जो गाइस हर गली मोहल्ले में बल्कि नाले नालियों में मिल जाएगा। तो गाइस आप आते हैं इस डिब्बे पर आखिरकार इस डिब्बे में क्या है ऐसे आपने देख लिया दिखाया तो भैया पता है गाइस इसमें इतनी सारी कील है ना कीले अब इनमें देखते हैं इनमें क्या है। अरे वाह इनमें भी कील है अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है इसमें कुछ नया होगा। अरे इसमें भी कील है भाई अरे भैया कील ही कील है इसमें भी यहाँ रखते हैं इसे और इसमें देखते हैं सबसे पतली और बारीक कील कौन सी है यार कील है कुछ और है खैर कोई भी कील हम ले लेंगे इसमें से जैसे हमने एक कील ये ले ली है जो कि अप्रोक्स 2 mm मोटी है। तो भाई इस कील को हम लगेंगे ड्रिल मशीन में अब गाइस हम थोड़ा सा घिस देंगे तो गाइस ये लगभग 1 cm का कट कर दिया है। अब इस पीस को हमें इस मोटर पर सोल्डिंग करना है या वेल्ड करना है कुछ भी करना है इसे इस पर रोकना है अच्छी तरह चिपकाना है जिससे भाई घूमे तो निकले ना। इसके लिए गाइस हमारे पास काफी सारे जुगाड़ है अरे हमारा जन्म इसलिए हुआ है गाइस कि हम जुगाड़ कर सके जुगाड़ करते रहो सुबह दोपहर शाम चले गाइस आगे चलते हैं। तो गाइस इसके लिए मैं ले रहा हूं भाई टिन वायर और भाई अगर आपके पास ये नहीं है तो गाइस आप कोई भी कॉपर का वायर ले सकते हो उसकी कोटिंग हटा के थोड़ा मोटा वायर लीजिएगा इस तरह का वायर निकाल के इसका यूज कर सकते हो। वैसे गाइस अगर मैं चाहता भाई मैं इस पर वेल्डिंग भी कर सकता लेकिन गाइस मैंने वेल्डिंग ना चुनकर मैंने सोचा भाई कोई ऐसा जुगाड़ निकाला जाए कोई भी भैया अजमा ले हमारा और उससे क्या होता है उससे हमें दुआएं मिलती हैं हमारा उससे काम चलता है लोग लाइक कर देते हैं कर दिया होगा लाइक।
तो भाई साहब इतनी मुश्किल से चिपकाए, मतलब ने जिंदगी खराब कर दी। चिपक तो जाएगा लेकिन बिल्कुल सेंटर चिपकाना बहुत बड़ी बात है, बैलेंस। और भाई अगर निकल गया तो इसका भी सोल्यूशन भाई के पास है। और भाई ये मैंने लगाया क्यों है, इस मोटर की जो टिप है ना, मोटर की जो शाफ्ट है भाई, वो घिस जाएगी बराबर, तो गाइस मोटर खराब हो जाएगा। तो गाइस उसके लिए मैंने इसे एक्स्ट्रा अलग से जोड़ा, हमने कील इसमें लगाई, एक तरह का बिट ही है इसका, ये तरह का फटाफट से फिट करते हैं इस पैन के अंदर। तो गाइस फिट करने से पहले मैंने थोड़ा सा वायर लंबा कर लिया इसका, और भाई मैं इसे ऑन ऑफ करने के लिए स्विच का भी यूज करूंगा। तो गाइस ये रहा माइक्रो स्विच, पुश स्विच, टडिंग टडिंग। तो भाई फटाफट इसके अंदर फिट करता हूं। अरे भाई साहब काफी टाइट है, जो बात है मतलब मस्त बिल्कुल चिपका जो तो नहीं भाई इस मोटर को। तो गाइस काफी मस्त लग गया स्विच, आपको ये पास में लगाना है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए मस्त बिल्कुल, आप इससे छोटा स्विच भी लगा सकते हो, ठीक है, मैंने थोड़ा कंफर्ट के लिए बड़ा लगाया। तो गाइस ये एक मस्त चीज बन चुकी है, काफी लोग मुझसे कहेंगे समर भाई तुझे बैटरी लगा सकता था, ये तूने इसकी पूंछ क्यों निकाल दी, इसका वायर क्यों निकाल दिया। भाई देखिए मैं बैटरी लगा सकता था, बैटरी है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये रही बैटरी जो कि ओनली 50 मिली एम्पीयर की है, भाई इससे ज्यादा पावर मोटर ले लेता है। तो गाइस ये फूल जाएगी, इस पर ज्यादा हम लोड डालेंगे बेकारो जल्दी लो हो जाएगी, और गाइस ये फूल कर फट भी सकती है। तो भाई इतना लोड डालना ठीक नहीं है, ये 80-100 मिली एम्पीयर की, ये भी इसके अंदर आ जाएगी, हम लेकर आ जाएंगे। लेकिन गाइस दिक्कत है भाई ये भी इतनी कैपेबल नहीं है जो गाइस इसे आराम से लंबे समय तक चला सके। तो भाई ये सिर्फ छोटे मोटे ब्लूटूथ के लिए, एलईडी के लिए, इन चीज के लिए बनी है ना। तो भाई या तो मैं ऐसा कर सकते हैं कि कम से कम 3-4 बैटरी ऐसे लगाए, कम से कम 200-250 मिली एम्पीयर की बैटरी तो होनी चाहिए, तो इसका खर्चा काफी ज्यादा जाएगा। तो सच्चे में इसे वायर वाला कर लेंगे जिससे बाहर से पावर दे दे। तो चलेगा फटाफट इसकी टेस्टिंग करते हैं, और किस चीज ये काम आ सकता है गाइस वो सब जानोगे इस वीडियो की टेस्टिंग में, काफी मजा आएगा। और गाइस सपोज कीजिए इसकी बिट ये निकल गई, तो भाई आप कैसे करोगे, इस बात का सोल्यूशन है भाई के पास। चलिए फटाफट इसकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो गाइस पावर देने के लिए 18650 लैपटॉप बैटरी यूज करूंगा, आप कोई भी इसे 4-5 वोल्ट दे सकते हो बैटरी से, पावर सप्लाई से। अब क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्विच लगा रखा है तो यहाँ पर स्विच लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो भाई सबसे पहले चला के देखते हैं, आप इसकी आवाज सुन लोगे, भाई वाह देखिए तुरंत रेस्पॉन्स। हाँ ये मोटर थोड़ा सा जैम हो रहा है लगा। तो गाइस सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इसे पीवीसी शीट पर, वैसे गाइस अलग अलग मेटेरियल पर इसे टेस्ट करेंगे। तो गाइस प्लीज बने रहे, कितने काम ये आएगा आपको अभी पता लग जाएगी। तो भाई देखिए, भाई वाह भाई वाह देखिए, देखिए भाई देखिए बिल्कुल साफ लिखा आपको, देखिए समर लिख दिया। तो भाई पीवी शीट पे तो ये पास हो गया है, ठीक है। अब गाइस ये है लोहा, भाई साहब काफी हैवी शीट है मेटल की, तो इस पे देखते गाइस ये हो पाता नहीं हो पाता है, ओ ये पता नहीं। भाई वाह इस पे भी हो रहा है, चलो मैं दर्शक कर देता हूँ जिससे आपको साफ दिख जाए। हो तो आएगा, आपको इतना दिखाई नहीं देगा। देखिए भाई लोहे पे भी 100% वर्किंग है, काफी सस्ता जुगाड़ है, और भाई काफी पैसा आपके बचा देगा, और बहुत अच्छी ग्रिप भी है, लेकिन मजा भी आ रहा है। तो भाई ये ताला है, इस पे देखते हैं, वैसे मेटल पर तो हमने आपको दिखा दिया है, फिर भी इस पे करके देखते हैं। भाई साहब मस्त, भाई वाह देखिए भाई साहब, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, देखिए क्या मस्त है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ भाई काफी बेहतरीन जुगाड़ है, और मस्त काम कर रहा है बिल्कुल, आपका सामने बिल्कुल लाइव ग्रिप काफी अच्छी पकड़ने है भी। और भाई इस लकड़ी पे लिख के देखते हैं, भाई वाह भाई वाह, मेरे राइट में जाना दोस्त, सबसे खराब राइटिंग मेरी थी, मैं डॉक्टर बनना चाहिए था। भाई वाह समर का भाई अमर कर दिया, चलो कुछ भी हो पर भाई काफी अच्छी ग्रेविंग की है, देख सकते हो ना बहुत बेहतरीन। गाइस की ग्रिप काफी मस्त यार, मतलब पैन ही है जो बात है मार करे। तो भाई इसे जब भी रखें आराम से कैप लगा रखो, तो भाई मोटर को नुकसान नहीं होगा, प्लस इसकी शाफ्ट को या बिट को नुकसान नहीं होगा। तो गाइस की थोड़ी सी राउंड स्पीड दिखाने के लिए मैंने इस पर टेप लगा दिए, भाई वाह भाई देखिए भाई साहब देख सकते हो। भाई एक बार इस मोटर की पावर चेक करते हैं, टॉर्क कितना, मैं रोक पाऊंगा नहीं रोक पाऊंगा चलते में। भाई साहब भाई कितनी पावर है जरा से मोटर में, इसलिए भाई ये ड्रोन का मोटर मस्त बिल्कुल। तो भाई इस प्रोजेक्ट के लिए ये मोटर डन है, आप इसका यूज कर सकते हो। तो गाइस ये मैंने एक एंग्रेविंग टूल बनाया, ना कि कोई ड्रिल मशीन है ना, ड्रिल मशीन मैंने काफी बना दी है। तो भाई आप इसका ड्रिल मशीन भी बना सकते हो, सिंपल सी बात है, आपको इसका आगे बिट लगाना पड़ेगा ना, ड्रिल बिट छोटा सा। तो गाइस आई होप ये सस्ता एंग्रेविंग टूल आपको काफी मस्त लगा होगा, भाई 100% वर्किंग है, प्लीज दोस्तों जरूर बने, बहुत मस्त काम कर रहा है। तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को, और भाई जो बताए ये जुगाड़ आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। भैया डोबरी मेरी।